हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 3। तो आज उसका यह दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा, इसलिए कि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स से, बहुत सारे जो टेक्निकल वर्ड्स से, बहुत सारी डेफिनेशंस हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया है। अब हम लोग इस पार्ट को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इसलिए कि चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करना है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसकी लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। तो क्या होता है इंपोर्ट ऑफ ड्रग? इसका मतलब होता है कि अपने कंट्री के अंदर, अपने देश के अंदर किसी दूसरे देश से कोई चीज़ बेचने के पर्पस से लेके आना या मैन्युफैक्चर करने के लिए लेके आना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंपोर्ट करना। ठीक है, तो इंपोर्ट क्या है? इट मींस टू ब्रिंग एनी गुड्स और सर्विस इनटू ए कंट्री फ्रॉम आउट ऑफ कंट्री फॉर सेल। यानी अपनी कंट्री के अंदर या किसी एक कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री से किसी चीज़ को या किसी सर्विस को, किसी गुड्स या सर्विस, किसी चीज़ को या किसी सर्विस को, सर्विस जैसे मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी है, कोई एप्लीकेशन है, कुछ इस टाइप की चीज़ है, उसको भी अगर लेके आ रहे हैं कंट्री के अंदर बेचने के पर्पज़ से, यानी वो सर्विस है कोई, उसको बेचने के लिए अगर ला रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट बोलेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम लोग ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ड्रग से रिलेटेड कोई चीज़ हम लोग लेके आ रहे हैं या ड्रग से रिलेटेड कोई सर्विस लेके आ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंपोर्ट ऑफ ड्रग। ठीक, अब इसमें एक टॉपिक आपको जो पढ़ना है, आपके सिलेबस में पूछा है क्लासेज ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट। क्या है क्लासेज? यानी क्लासेज का मतलब अलग अलग टाइप, यानी अलग अलग टाइप के ड्रग्स और कॉस्मेटिक जिसको इंपोर्ट करना मना है इंडिया के अंदर, तो वो क्या है? तो चलिए देखते हैं। तो क्या है, सबसे पहला, एनी ड्रग और कॉस्मेटिक ऑफ नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी। कोई भी दवाई ऐसी है जो नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसको आप इंडिया के अंदर क्या है, इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही एनी मिसब्रांडेड और स्पूरियस और अडल्ट्रेटेड ड्रग। कोई दवा ऐसी है जो मिसब्रांडेड है, मिस ब्रांडेड का मतलब ये है कि दवा कोई और कंपनी बना रही है, ब्रांड किसी और का लगा दिया। दवा तो बनाई किस कंपनी ने? सन फार्मा ने, और उसके ऊपर जो लेबल लगा दिया, जो ब्रांड नाम डाल दिया उसके ऊपर, वो किसका डाल दिया? सिप्ला का डाल दिया, तो ये मिस ब्रांडेड हो गया। तो ऐसा भी नहीं। और दवा क्या, अगर स्पोरियस है, स्पोरियस का मतलब होता है कि जो खराब हो, घटिया क्वालिटी की हो, तो उसको भी, या तो फिर अडल्ट्रेटेड है। अडल्ट्रेशन आप जानते होंगे, अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। कोई ऐसी दवा है जिसके अंदर मिलावट कर दिया गया है, तो उस दवा को भी क्या है, आप इंडिया के अंदर इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही मिस ब्रांडेड और स्पूरियस कॉस्मेटिक, ऐसे ही कोई कॉस्मेटिक है जो मिस ब्रांडेड है या स्पूरियस है, घटिया किस्म की है, तो उसको भी नहीं ला सकते हैं। ऐसे ही एनी ड्रग और कॉस्मेटिक विच रिक्वायर्स ए लाइसेंस फॉर इम्पोर्ट। यानी कोई ऐसी दवा या कोई कॉस्मेटिक का आइटम जिसको इंडिया में अंदर लाने के लिए क्या परमिट की ज़रूरत पड़ती है, लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसको बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के लाना भी क्या प्रोहिबिटेड है, यानी मना किया गया है। और क्या है, एनी पेटेंट और प्रोप्रिएटरी मेडिसिन टिल द ट्रू फॉर्मूला ऑफ लिस्ट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कंटेंड इन इट अलोंग विद द क्वांटिटीज आर डिस्प्लेड ऑन द लेबल और ऑन द कंटेनर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोई कंपनी है जिसने अपने रिसर्च से कोई नई दवा बनाई, तो वो अपने नाम पेटेंट करा लेती है। पेटेंट का मतलब ये कि ये दवा मैं ही सिर्फ बना सकता हूँ, या जिसको मैं परमिशन दूँ वो इस दवा को बना सकता है। समझ में आई बात? पेटेंट और प्रोप्रिएटरी का मतलब तकरीबन सेम ही है। ठीक, तो कोई ऐसी कंपनी है जिसने कोई दवा बनाई, उसको पेटेंट कर लिया है, उसको भी क्या है, इंडिया के अंदर इंपोर्ट करना मना है, लेकिन उस वक्त तक मना है जब तक कि उसका पूरा जो फार्मूला है उसको क्या है, उसके कंटेनर के ऊपर या उसके दवा के ऊपर उसको क्या है, लेबल ना कर दिया जाए। समझ में आ रही बात? जब तक कि क्या है, जिसका पूरा फार्मूला है उसको लिख ना दिया जाए दवा के ऊपर या दवा के कंटेनर के ऊपर, या तो फिर फार्मूला ना लिखे, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसके अंदर डाली गई हैं उसको अगर न बता दिया जाए, तब तक उस दवा को क्या है, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, छठा क्या है, तो एनी ड्रग विच बाय मींस ऑफ एनी स्टेटमेंट डिजाइन और डिवाइस अकंपनिंग इट और बाय एनी अदर मींस परपोर्ट्स और क्लेम टू क्योर और मिटिगेट एनी सच डिसीज और एलिमेंट्स और टू हैव एनी सच अदर इफेक्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड।
ये इतना मतलब चौड़ा लंबा चौड़ा लिखा है, इसको देख कर डरना नहीं है। इसको मैं इसलिए इस तरीके से लिखा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उसके सेक्शन 18 में सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसको हम लोगों को तो पढ़ना ऐसे ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस ऐसा है कि जिसके किसी भी बयान से ये लगता है कि ये क्या है, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए है, समझ में आ रही बात, या कोई ऐसी डिवाइस है उस बीमार उस दवा के साथ में जो ये बताती है, कहीं से भी ये लिंक मिलता है कि ये जो चीज़ है, ये जो सब्सटेंस है, वो एक दवा की तरह से काम करती है, या तो बीमारी को पूरा ठीक करती है, या बीमारी को क्या है वो थोड़ा सा उसके बीमारी का जो इफेक्ट है उसको थोड़ा सा कम कर देती है, वो होता है मिटिगेट, यानी किसी भी चीज़ के जो का जो इफेक्ट है, जो असर है, उसको थोड़ा सा कम कर देना। जैसे बुखार बहुत तेज़ है तो उसको कोई थोड़ा सा हल्का कर दे, वो मिटिगेट कर दिया उसको। तो ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी है, समझ में आ रही बात, कोई भी ऐसी चीज़ है जो किसी बीमारी को, जिसके किसी भी बयान से या किसी भी स्टेटमेंट से ये पता चलता है, किसी भी तरीके से अगर उसके बारे में ये पता चल जाता है कि जो सब्सटेंस है वो एक तरीके से दवा का काम करता है, समझ में आ रही बात, चाहे वो बीमारी को पूरी तरीके से ठीक करे, चाहे वो उस बीमारी को थोड़ा सा हल्का कर दे, तो उसको भी क्या है, ड्रग माना जाएगा और उसको भी इम्पोर्ट करना इंडिया के अंदर प्रोहिबिटेड है, मना है। हाँ, अगर लाइसेंस वगैरह है तो बात अलग है उसकी। अब सातवां क्या है, एनी कॉस्मेटिक कंटेनिंग एन इंग्रेडिएंट विच मे बी अनसेफ और हार्मफुल फॉर यूज़। ये कह रहे कोई भी कॉस्मेटिक की चीज़, कोई भी कॉस्मेटिक आइटम ऐसा है जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो अनसेफ है, यानी उसके लगाने से कुछ नुकसान हो सकता है, वो हार्मफुल है, तो उसको भी क्या है इंडिया के अंदर इम्पोर्ट करना प्रोहिबिटेड है, मना है। ठीक, और क्या है, ड्रग्स विच क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर एनी ऑफ डिसीज और एलिमेंट्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे। ये कह रही है कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी दवा जो ये दावा करती है कि वो शेड्यूल जे के अंदर जिन बीमारियों को मेंशन किया गया है उनको ठीक कर सकती है, या उसके क्या है, उस बीमारी को रोक सकती है या उसको ठीक कर सकती है, तो ऐसी जो भी दवाएं हैं उनको भी क्या है इंडिया के अंदर इंपोर्ट करना प्रोहिबिटेड है। अब शेड्यूल जे के अंदर क्या है, जब हम लोग शेड्यूल जे पढ़ेंगे तो वहाँ पूरे डिटेल देखेंगे कि वो कौन सी बीमारियां हैं जिनको क्या कोई दवा ठीक नहीं कर सकती है। ठीक, अब नवा क्या है, ड्रग्स हुज मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर प्रोहिबिटेड इन कंट्री ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी दवा है कि जिस कंट्री से उसको इंपोर्ट किया जा रहा है वहाँ पे खुद उसको क्या है बैन कर रखा हो। जैसे कि मान लीजिए कोई दवा है जो चाइना से अपने इंडिया के अंदर इंपोर्ट की जा रही है और चाइना के अंदर खुद उस दवा को क्या है बैन कर रखा है, प्रोहिबिटेड कर रखा है, इसको आप बना उसको क्या कर रखा है बैन कर रखा है कि आप उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप इसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, वहाँ पे तो मना है, और उसको इंडिया के अंदर भेजा जा रहा है, तो ऐसी दवा को भी क्या है इंडिया के अंदर लाने की इजाजत नहीं है, वो क्या है प्रोहिबिटेड है, इंपोर्ट उसको नहीं किया जा सकता इंडिया के अंदर। ठीक है, अब इसमें देखिए, एक्सेप्ट व्हेन रिक्वायर्ड फॉर पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस। हाँ, अगर उस दवा को आप किसी दूसरे पर्पस जैसे कि एग्जामिनेशन यानी टेस्ट वगैरह करना है, एनालिसिस करना है, तो इस पर्पस से अगर आप उसको इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या है परमिशन होगी। और क्या है दसवां, ड्रग्स नॉट लेबल्ड एंड पैक्ड इन दी प्रिस्क्राइब्ड मैनर। और उन दवाओं को भी इंपोर्ट करना इंडिया के अंदर मना किया गया है जो कि बताए गए तरीके से ना तो पैक किए गए हों और ना लेबल किए गए हों, यानी जो तरीका बताया गया है किसी दवा को पैक करने का और उसको क्या है लेबल करने का, उस तरीके से अगर उसको पैक नहीं किया गया, उस तरीके से लेबल नहीं किया गया, तो उसको भी क्या इंडिया के अंदर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। प्रिस्क्राइब्ड मैनर मतलब बताया गया जो तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और क्या है ग्यारहवां, बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1 आफ्टर देयर एक्सपायरी डेट और दोज नॉट कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड ऑफ स्ट्रेंथ क्वालिटी एंड प्योरिटी। ऐसे कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल और अदर स्पेशल प्रोडक्ट, जैसा कि आपने शेड्यूल सी में पढ़ा है और हम लोग डिटेल से भी आगे उसको पढ़ेंगे जब हम लोग स्टडी करेंगे शेड्यूल की। ठीक, तो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं शेड्यूल सी के अंदर, शेड्यूल सी के C1 के अंदर, तो ये भी जो भी प्रोडक्ट हैं ये, ठीक, तो ये जो भी ये बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट हैं जिनको शेड्यूल सी और शेड्यूल सी के अंदर डाला गया है, अगर वो क्या है एक्सपायर हो गई हैं, अगर वो चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं, दवाएं एक्सपायर हो गई हैं, तो भी उसको क्या है इंपोर्ट करना इंडिया के अंदर मना है, इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। या तो फिर क्या है, दे आर नॉट कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड ऑफ स्ट्रेंथ क्वालिटी एंड प्योरिटी, या तो फिर जो उसकी क्वालिटी हमको चाहिए या जो उसकी प्योरिटी, या उसकी जो हमको क्वालिटी और उसकी जो प्योरिटी चाहिए, यानी बिल्कुल असली हो, क्वालिटी उसकी अच्छी हो, और जो इसका स्ट्रेंथ चाहिए, मान लीजिए कहा जा रहा है कि ये जो टेबलेट है ये 10 mg की है,
ठीक है, और ये इतना ही काम करेगी, लेकिन वो काम कर रही है 5 mg की तरह, तो उसका स्ट्रेंथ भी अगर नहीं है, तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर मिस हो रही है तब भी उस दवा को इम्पोर्ट करना इंडिया के अंदर प्रोहिबिटेड है, मना है। 12वां क्या है, एनी न्यू ड्रग एक्सेप्ट विद एक्सप्रेस परमिशन ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ये कह रहे हैं कि कोई भी नई दवा जो बनी है अभी उसके बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं है, तो उसको आप सिर्फ उसी वक्त इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं जो लाइसेंस देने वाली कंपनी है, जो लाइसेंस देने वाली अधिकारी लोग हैं, अगर उनकी उनके तरफ से एक्सप्रेस परमिशन मिलता है, यानी बिल्कुल साफ साफ परमिशन आपको मिल जाता है, बोलते हैं ना स्पष्ट, तो स्पष्ट परमिशन अगर मिलता है जिसमें कोई झोल ना हो, कि आदमी को थोड़ा सा उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो, एकदम साफ साफ लिखा हो कि हाँ आप इसको क्या इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, तभी आप उसको क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, वरना वो भी क्या है प्रोहिबिटेड है। और क्या 13वां, एनी ड्रग और कॉस्मेटिक हुज इम्पोर्ट इज प्रोहिबिटेड। या तो कोई दवा या कोई क्या कहते हैं कॉस्मेटिक ऐसी है जिसके बारे में पहले से कहा जा चुका है नाम लेके कि इस दवा को आप किसी बाहर कंट्री से इंडिया के अंदर क्या है इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो भी क्या है प्रोहिबिटेड है, तो साफ सी बात है, ठीक, तो वो भी क्या है इंडिया के अंदर प्रोहिबिटेड है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो भी ये प्रोविजंस हैं, प्रोविज़न आप समझ चुके होंगे, यानी जो कानून की बातें हैं, जो बताई गई हैं, जो कंडीशन लगाई गई हैं, वो सब क्या है प्रोविज़न कह सकते हैं, प्रावधान कह सकते हैं, ठीक। तो ये जो भी ये जो जितनी शर्तें लगाई गई हैं, जो भी कंडीशन बताई गई हैं, दीज प्रोविजंस आर नॉट अप्लाइड टू द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस। ऊपर जितनी भी ना ये दवाओं की क्लासेस बताई गई कि इन इनको आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर यही सब चीज़ें अगर आप बहुत छोटी मात्रा में स्मॉल क्वांटिटी के अंदर इंडिया के अंदर इम्पोर्ट कर रहे हैं, किस पर्पज से, एग्जामिनेशन के लिए, टेस्ट के लिए, एनालिसिस के लिए, यानी उनको आप रिसर्च करने के लिए ला रहे हैं कि उसको देखें क्या है, कैसी है, क्या नुकसान इससे हो रहा है, क्या ये फायदेमंद हो सकती है, नहीं हो सकती है, इस पर्पज से अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में लेके आ रहे हैं तो आपको क्या परमिशन है ला सकते हैं। अब एक टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, वो क्या है इंपोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट। अब ये जो टॉपिक है इसका मतलब ये है कि वो कौन कौन सी दवाएं हैं जो आप क्या है परमिशन लेके उनको इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, या तो फिर ये कि कौन सी दवाएं ऐसी हैं जिनको इंडिया के अंदर इंपोर्ट करने के लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है, ठीक। तो द लाइसेंसिंग अथॉरिटी ग्रांट ए लाइसेंस फॉर द इम्पोर्ट ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ ड्रग। तो ये जो ये पाँच तरह की जो दवाएँ हैं ना, ये जो पांच तरह की दवाएं हैं इनको इंपोर्ट करने के लिए आपको जो लाइसेंस प्रोवाइड करने वाली अथॉरिटी है, यानी समझ लीजिए जो पूरी संस्था है, जो उसके अधिकारी हैं, उनसे आप लाइसेंस लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं इन दवाओं को इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन सी वो दवाएँ हैं, तो ये क्या है ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1। वो दवाएँ जो क्या है शेड्यूल सी और शेड्यूल C1 के अंदर क्या है बताई गई हैं, स्पेसिफाइड की गई हैं। और कौन सी, दी ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, ऐसे उन दवाओं को भी आप अगर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, और लाइसेंस लेके आप उसको इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं जो शेड्यूल X के अंदर दवाएं आती हैं, ठीक। अब ये आप इसके चक्कर में ना पढ़िएगा, ये पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, वहाँ जब पढ़ेंगे तो आप बोर होंगे, यार कितना डिटेल है इसमें, ठीक। तो अभी तीसरा क्या है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स इंपोर्टेड फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस। अगर आप छोटी क्वांटिटी, थोड़ी सी क्वांटिटी आप प्रोहिबिटेड दवाओं की, आपने पढ़ा ना कौन कौन सी दवाएं प्रोहिबिटेड हैं, अगर आप प्रोहिबिटेड दवाओं को क्या है एग्जामिनेशन के लिए, टेस्ट के लिए, एनालिसिस के लिए इंडिया के अंदर लाना चाहते हैं, तो लाइसेंस लेके आप उन दवाओं को इंडिया के अंदर ला सकते हैं। ऐसे ही ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज प्रिस्क्राइब्ड बाई ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब यह है कि कोई आदमी अपने पर्सनल यूज़ के लिए बाहर से दवाएं मंगा सकता है, जबकि वो दवाएं जो हैं वो प्रिस्क्राइब्ड की गई हों किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि मुझे कोई बीमारी हो गई और उसकी दवा इंडिया के अंदर नहीं है, बाहर वो दवा क्या है बिक रही है और काम कर रही है किसी दूसरी कंट्री के अंदर, और मुझे वो दवा क्या है मंगानी है, किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, समझ में आ रही बात। मैं खुद से चाहूँ मंगाना तो नहीं मंगा सकता हूँ, अगर किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, और डॉक्टर भी ऐसे ऐरा गैरा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है वो रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए, समझ में आ रहा है। जो डॉक्टर बनते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, सब कुछ होता है, तो उसके थ्रू अगर उन दवाओं को क्या है प्रिस्क्राइब किया गया है, वैलिड तरीके से अगर उसको प्रिस्क्राइब किया गया है, तो आप फिर क्या है जाएंगे और जो लाइसेंस प्रोवाइड करने वाली अथॉरिटी है उनसे लाइसेंस लेंगे, और फिर उन दवाओं को क्या है मंगा सकते हैं।
ऐसे ही अगर कोई नई दवा बनी है बाहर किसी कंट्री के अंदर, कोई नई दवा बनी है उसको आप इंडिया के अंदर मंगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या है परमिशन लेने की ज़रूरत है, लाइसेंस बनवाने की ज़रूरत होगी। तो ये जो टॉपिक था आपका इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। अगर ये कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।